जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज की वीडियो है प्रदोष यानी कल की 13 तारीख का विशेष उपाय, जो महाराज जी नया उपाय बताए हैं, जिसे अब कर निश्चित ही रूप से 1 से 2 प्रदोष बीतने से पहले ही आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। शॉर्ट वीडियो मेरी अपलोड हो रखी है, इसकी डिटेल में भी आपको जानकारी मैं दे देती हूँ। उन 5 तिथियों की भी जानकारी मैं दे देती हूँ, जो कि रिमाइंडर के तौर पे आप नोट कर लीजिए, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। 12, 13, 14, 15, 16 अधिक मास की ये 5 खास तिथियाँ यही हैं जिस पे हमें 5 दीप प्रज्वलित करनी है। और 5 दिन हमें किस किस खास चीज़ का उपाय करना है, बिल्कुल सरल तरीका में भी दम बिल्कुल सरल, वो आप जान लीजिए। तो 12 तारीख यानी आज की है, आपको वीडियो ये 8 बजे मिलेगी, उसके बाद भी आप ये कार्य कर सकते हैं। जो पहले कल परसों की वीडियो हमारी देख रखे हैं उनको तो पता होगी कि 12 तारीख का उपाय क्या था। जो लोग नहीं कर पाए वो आज जान ले, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के दिन हमें 5 दीप जलाने थे, यानी इन 5 तिथियों पर 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16 तारीख की अमावस्या, इन 5 तिथियों पर हमें 5 घी की दीपक शाम के समय अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने जलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी है। ये तो एक था उपाय, जो कि आज से आपको 16 तारीख तक करनी है। आप किसी और की चिंता ना करें कि लोग क्या कहेगा कि आप डेली दीप जला रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। देखा देखी हम सभी शॉपिंग कर सकते हैं, तो दीप जलाकर अपनी खुशियाँ यानी खुशियों से झोली को क्यों नहीं भर सकते हैं। इन सब चीज़ों में ना आए और अपनी कार्य करते रहें, जिससे कि आपकी दामन खुशियों से आपकी भर जाए, आपके बच्चों का सिलेक्शन हो, जो भी आपके मन में मनोकामनाएँ हों वो जल्दी से पूरी हो जाए। क्योंकि ये अधिक मास की खास 5 तिथियां हैं जिस पर हमें आसान से आसान उपाय कर अपनी झोलियों को खुशी से भर लेना है। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो ज़रूर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि महाराज जी से हमारा ऐसा कनेक्शन हो गया कि जो बताते हैं वो पत्थर का लकीर होता है, और हम चाहें जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जो हमारे बस में होता है हम उसे ज़रूर करते हैं। तो ये है 12 तारीख की खास उपाय हम सभी के लिए, महाराज जी के द्वारा बताए गए। सुबह से अभी तक जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है, पूजा किया है, वो लोग तो वैजयंती माला, तुलसी की माला, पुए का भोग और 5 दीप शाम को अभी जला लेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो अभी लेट ही बन रही है, यानी 8 बजे तक तो जला ही सकते हैं। कल 13 तारीख का विशेष उपाय, कल क्या करना है, कल है प्रदोष का व्रत, यानी कि रवि प्रदोष व्रत। रवि प्रदोष व्रत के दिन इन चीज़ों को करने से विशेष रूप से पुत्र के जीवन में आ रही बाधाएं जरूर दूर होती हैं। रवि प्रदोष व्रत से हमारा सूर्य मजबूत होता है। उस दिन हमें शिवालय पर 1 बेलपत्र, 1 कनेर का फूल और 1 समीप का पत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर अशोक सुंदरी से स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर रखकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। बस यही करना है 13 तारीख को, और शाम के समय वही 5 घी के दीपक मंदिर में अपने जलाकर मुख्य द्वार पर लगा देने। अगर मंदिर आप जाते हैं तो मंदिर में भी 5 दीपक आप जलाएं, वो दीपक 5 स्थानों के नाम पर जलाएं। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं, पहला स्थान शिवालय, दूसरा स्थान है बेलपत्र वृक्ष, तीसरा है पीपल, चौथा है आपका आंवले का वृक्ष, पांचवा है गंगा। तो जो भी चीज़ें नहीं मिल पाए तो आप सभी 5 स्थलों का नाम लेकर 5 दीप आप शिवालय में ज़रूर जला दें। तो ये 5 दीप सुबह और शाम को, जो प्रदोष के दिन जो जलाएंगे, शाम को ही जलाना है ये दीप। तो ये 5 तिथियों पर आप 5 मंदिर में जला दीजिए और 5 अपने घर के बाहर जला दीजिए। अगर मंदिर में आप नहीं जला पाते हैं 5 दीप, तो कोई बात नहीं, अपने घर के मंदिर में 5 दीप प्रज्वलित कर उसे मुख्य द्वार पर आप लगा दीजिए। 14 अगस्त यानी शिवरात्रि तेरस, यानी तेरस के दिन हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। पूजा करनी है अपने ही घर के किसी भी गमले में शंकर भगवान की एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसी गमले की मिट्टी से, और वहाँ पर जल अभिषेक कर वहीं पर 10 मिनट के बाद विसर्जन कर देना है। तथा शाम के समय हमें 5 घी के दीपक घर पर अपने मंदिर में जलाकर मुख्य द्वार पर लगा देने। मैं ये रिमाइंडर करा रही हूँ, इसकी वीडियो
डिटेल में अपलोड हो रखी हैं, जो लोग भूल रहे हैं तो वो जान ले कि किस किस दिन क्या करना है। रहा बात 15 तारीख की, 15 तारीख की हमें अधिक मास की पूर्णावती करनी होती है, कि जो लोग अधिक मास का व्रत रखे होंगे, चाहे कोई भी कारण, किसी भी कारण से, कि जो लोग इतने दिनों में किसी के घर का अनाज नहीं खाए हुए होंगे या सटीक संबंध नहीं बनाए होंगे, जो भी व्रत उन्होंने लिया होगा मंदिर में 108 वस्तुओं का चढ़ाना, तो वो 15 तारीख को उसकी पूर्णावती होती है। उस दिन हमें मंदिर में अपनी आवश्यकता अनुसार यानी जो सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान देने चाहिए। उसी दिन हमें तिथिस्माल कुएँ का दान भी करना होता है, एक पीला वस्त्र भी नारायण को या पंडित जी को दान करना होता है। 16 तारीख की अमावस्या है, उस दिन हमें शंकर भगवान को विशेष कर एक कनेर का फूल जल चढ़ाना है 2 लोटा। ये 15 तारीख की अमावस्या के दिन है। अगर आपके पास कनेर का फूल ज़्यादा हो तो आप रखे रहें, मंदिर में जाएं तो सभी श्रद्धालुओं को एक एक कनेर का फूल दें, जिसे वो भी चढ़ाकर कुबेर भंडारी से प्रार्थना कर अपने घर को कुबेर जैसा बना ले। आशा करते हैं आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, रिमाइंडर मैंने बता दिया आपको, लगा दिया, और आप सभी ये उपाय करें और जीवन को, अपने झोलियों को खुशी से भंडारी के भंडार से हम सभी भरते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे, मैं शिव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।